माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो अभी बज रहा है 5:30 हो रहा होगा, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर कर लूँ। ये वीडियो है मतलब स्नैक बना रही हूँ मैं, कुछ स्नैक्स, मतलब टी टाइम हो गया है और बहुत जल्दी से मुझे बनाना है। और मैंने ना पोटैटोज बॉईल करके रख दिए हैं, बस आप लोगों के साथ थोड़ी सी बात हो जाए उसके बाद मैं बनाने जाऊंगी। और हाँ, बहुत ही जल्दी से बन जाने वाला ये स्नैक्स, बहुत अच्छा लगता है। और मैं ना तैयार पहले हो गई थी, मतलब मैंने सुबह से मैं ऐसे ही तैयार हूँ। और मतलब मैंने आज मेकअप किया था, आज मैंने सोचा आज भी मेकअप करके ही रखती हूँ, मतलब मेरा मन था आज मेकअप करने का, तो इसलिए। तो फ्रेंड्स, आज ना बहुत ही अच्छे कटलेट बनाऊंगी मैं आलू से, और बहुत ही अच्छे लगते हैं। और आप इसको बनाकर भी रख सकते हो, जैसे ज़्यादा हो जाए तो उसके बाद आप बना के रख सकते हैं। जैसे वो वाले बनाए थे ना मैंने सोयाबीन वाले, तो आप ये वाले भी बना कर रख सकते हो और बहुत अच्छे होते हैं। आप फ्रीजर में रख दीजिए, बस पैक करके रखना है एयर टाइट कंटेनर में, और आप अच्छे से पैक करके रख दीजिए। और आप किसी भी समय इसको फ्राई कर सकते हो या सेलो फ्राई कर सकते हो, तो बहुत ही अच्छा है। और हाँ फ्रेंड्स, एक ज़रूरी बात बताना है मुझे कि मैंने अपने चैनल का नाम चेंज किया है। मैंने नाम चेंज किया है, आप लोगों को शायद देख भी लिया होगा, ब्यूटीफुल यू एंड मी। तो मैंने नाम चेंज किया है, बट लेकिन अगर आप देखोगे ना, आप सर्च करोगे तो रिचा रॉय से भी हो जाएगा सर्च, लेकिन ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुल यू एंड मी से आप सर्च करोगे तो वो किसी और का भी है चैनल, मतलब यहाँ का नहीं है, वो दूसरी जगह से है शायद, अभी इतना मुझे नहीं देखा मैंने, बट हाँ वो हैं। लेकिन और ये देखिए मेरे ये सिलवट पड़ गई है, और मैं अभी लेटी हुई थी, बस अभी उठकर बैठी हूँ, थोड़ा सा टाइम हुआ है मुझे। और तो फ्रेंड्स, मैंने अपना नाम चेंज किया है, लेकिन आप जब भी सर्च करोगे ना तो रिचा रॉय से ही करिएगा, तो आपको चैनल का। फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ किचन में और मैं दिखा रही हूँ आपको ये बॉयल्ड आलू, और मैंने ये फ्रिज में से निकाले हैं, मैंने पहले से ही बॉयल करके फ्रिज में रख दिए थे ताकि ये ज़्यादा हो। तो फ्रेंड्स, मैंने ये लिया है आलू, ये मैंने मिक्स कर लिया है, और मैं अब ये ब्रेड क्रम्स डाल रही हूँ। मैंने 5-6 ब्रेड लिया था और ब्रेड को इस तरह ग्राइंड में ग्राइंड कर लिया है, और इसमें 5-4-5 चम्मच में इसमें ऐड कर रही हूँ, और फिर इसके बाद अच्छे से मिक्स कर लेना है आपको। और मैं अभी डाल ही रही हूँ ब्रेड क्रम्स, के बाद मैं डाल रही हूँ ये देखिए अनियन, मैंने काट लिया है, मैंने 2 अनियन लिया था क्योंकि मुझे ज़्यादा बनाना है और ज़्यादा बना के मैं रख लूँगी। उसके बाद मैं डालूँगी इसमें ग्रीन चिली एंड धनिया, और मेरे पास जिंजर नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला। आप जिंजर भी डाल सकते हो, बट मेरे यहाँ नहीं था तो मैं नहीं डाल पाई, लेकिन जिंजर और पुदीना भी नहीं था तो मैंने वो भी नहीं डाला। पुदीना से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और धनिया वगैरह से तो बहुत अच्छा टेस्ट आता ही है। तो मैंने अच्छे से भर कर मिर्च डाली है, और बहुत सारी मैंने डाली है क्योंकि उस समय मुझे ज़्यादा तीखापन नहीं लगा था जो मैंने पहले बनाए थे, और अभी मैंने इसलिए ज़्यादा मिर्च डाली है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद मैं डाल लूँगी ये कॉर्नफ्लावर, और कॉर्नफ्लावर भी मैं 2-3 चम्मच में डाल देना है, ऐड कर देना है आपको। तो फिर उसके बाद अभी मैं सब डाल रही हूँ, उसके बाद मैं मिक्स करूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं कॉर्नफ्लावर के बाद मैं डाल रही हूँ ये चिली फ्लेक्स, और आपके पास नहीं है तो आप ग्राइंडर में ग्राइंड करके भी ऐसे थोड़ा हल्का सा कूट सकते हो। और फिर मैंने इसको डाल दिया है, थोड़ा ही डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है क्योंकि मैंने ग्रीन चिली बहुत डाली है। उसके बाद मैं डालूँगी जीरा पाउडर, और उसके बाद मैं डालूँगी हल्दी, तो मैं ये जीरा पाउडर डाला है मैंने, और इसके बाद मैं अब हल्दी डाल रही हूँ, हल्दी पाउडर, और इसके बाद मैं नमक ऐड करूँगी इसमें। तो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो, हल्दी कम ही डाली है मैंने, और अब मैं डाल रही हूँ देखिए नमक डाल रही हूँ मैं, नमक भी अच्छे से डालूंगी, मतलब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो, तो मैंने इतना ही डाला है। तो फिर मैंने सारे सब चीज़ें इसमें मिला ली है, और मैं अच्छे से इसको मिक्स कर रही हूँ, बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मेरी क्लिप लीट हो गई है, मतलब कैमरा ही नहीं ऑन किया मैंने, तो मैंने इसमें गरम मसाला भी ऐड किया था और लेमन जूस भी ऐड किया था, तो वो क्लिप नहीं आ पाई इसलिए मैं इसको दिखा रही थी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको बना कर रख लिया है, और इस तरह से बना लेना है आपको, जिस जो शेप आपको अच्छी लगे वो दे सकते हो। थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिएगा, मैंने ऑयल नहीं लगाया इसलिए मैं बोल रही हूँ, थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए, थोड़ा भी नहीं चिपकेगा आपके हाथों में। तो इस तरह से आपको रोल करना है इसे, और फ्रेंड्स मैंने ये देखिए आपके सामने तैयार हो गए हैं, मैंने इतने सारे बना लिए, कुछ मैं रख दूँगी
और मैं देखिए आपको ये वाला दिखा रही हूँ, ये मैंने मैदे से घोल बनाया है, इस तरह से बिल्कुल पतला घोल बना लेना है। और ये ब्रेड क्रम्स ले लिया है और मैं अब इसमें डिप करके और ब्रेड क्रम्स में लगा के, अब मेरा ऑयल भी गर्म हो गया है और देखिए मैं डिप कर रही हूँ पहले इस तरह से मैदे के घोल में और फिर उसके बाद मैं ब्रेड क्रम्स लगा रही हूँ और सारे इस तरह से रख लूँगी पहले। और ऑयल हल्का ही गरम चाहिए, मतलब ज़्यादा गरम नहीं चाहिए, पहले अच्छे से गरम कर लीजिए फिर थोड़ा लो फ्लेम कर दीजिएगा, तब तक मैं ये सारे। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने सारे कोट कर लिए हैं और इस तरह से, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि मैंने ऑयल में इनको डाल दिया है और मैं आप दिखा रही हूँ आपको कि गोल्डन हो गए हैं। तो मैं इनको देखिए टर्न कर रही हूँ, पलट रही हूँ, इस तरह बहुत ही हल्के हाथों से करना है और कम फ्लेम रखिए, स्लो फ्लेम पर ही आप। तो फ्रेंड्स ये देखिए आपको अब देख रहे हैं कि ये अच्छे से हो गए हैं, कुरकुरे हो गए हैं, अच्छे से पक भी गए हैं। तो अब मैं इनको निकाल लूँगी एक एक करके, और अच्छे से निकालिएगा और बिल्कुल टूटना नहीं चाहिए, बहुत ही मतलब सॉफ्ट तो है लेकिन कुरकुरे भी बहुत है, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं देखने में और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो देखिए फ्रेंड्स ये तैयार हो गए हैं मेरे कटलेट, और आप इसको ना बर्गर के साथ भी खा सकते हो, बर्गर में मिलाकर खा सकते हो। और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी हैं, ये देखिए ऐसे ही क्रिस्पी, आपको आवाज आ रही है ना, ये देखिए बहुत क्रिस्पी बने हैं और बहुत ही गर्म होगा। तो अगर आप लोगों को अच्छे लगे ना तो प्लीज़ ये ज़रूर ट्राई करिएगा, बनाते रहिए। और मैं ऐसे बनाती रहती हूँ और बहुत मज़ा आता है इस तरह की चीज़ें बनाने में, और ब्रेड के जो रोल होते हैं वो भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ये अलग टाइप का है, मतलब ये भी बहुत अच्छा लगता है और इतना क्रिस्पी होता है। और ये देखिए मेरे बेटे ने बनाया है, ये देखिए, जो कि बिल्कुल गोल नहीं है लेकिन बनाया है उसने, तो मैंने कहा चलो बनाकर। और मेरे हाथ ना इतने जल रहे हैं, बहुत जल रहा है मेरे हाथों में, क्योंकि मुझे मिर्च के साथ इस तरह से मिक्स करते हो ना तो बहुत ज़्यादा जलन होती है हाथ में, तो इस वजह से मेरा हाथ तो बहुत जल रहा है। मैं कितनी बार हाथ धो चुकी हूँ और लोशन वगैरह भी लगा लिया मैंने, फिर भी ऐसा जल रहा है बहुत ज़्यादा। तो अभी बहुत देर तक जलेगा, अभी ये सारी रात भी जल सकता है, कुछ पता नहीं है। तो अभी मैं खाती हूँ फिर देखूँगी, और मैं साथ में लूँगी मठा, पीऊँगी मैं बटर मिल्क, क्योंकि मैं अभी बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है तो मैं चाय नहीं पीऊँगी। और मैं आपको दिखाती हूँ इसको तोड़कर कैसा है ये, तो ये देखिए कलर भी बहुत ही अच्छा आया है, बस मेरे पास रेड मिर्च नहीं थी तो इस वजह से, लेकिन इतना टेस्टी है, इतना अच्छा लग रहा है ये खाने में, क्योंकि और कैसा है मज़ा आ रहा है, इन लोगों को तो बहुत अच्छा लग रहा है खाने में, अच्छा है थोड़ा सा ये दिख नहीं रहा है मेरा बेटा, ये बैठा है। आवाज आ रही है ना, तो मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में आपसे। तो फ्रेंड्स मेरा हो गया है, मतलब मैंने खा लिया है जो मैंने बनाया था, कटलेट मैंने बनाए थे वो मैंने फिनिश कर दिए। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों के साथ एक बात मैं शेयर करना चाहती हूँ, फिर से मैं बोल दूँ, मैंने इंट्रो में भी बोला था आपसे और मैं फिर बताती हूँ आप लोगों को, कि मैंने अपने चैनल का नाम चेंज किया है, ब्यूटीफुल यू एंड मी मैंने इसका नाम रखा है अपने चैनल का, और रिचा रॉय नाम से आप सर्च करोगे यूट्यूब पर तो मेरा ही चैनल आएगा, लेकिन मैंने सिर्फ उसका चैनल का नाम चेंज किया है, अपना मेरा नाम फेसबुक पर और इंस्टा पर यही रहेगा, और सेम जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना इंस्टाग्राम का पेज का लिंक मैं देती हूँ और फेसबुक का भी देती हूँ, तो आप उसमें देख लीजिएगा, क्योंकि वो मैंने चेंज नहीं किया, मैं बहुत समय से सोच रही थी कि मैं चेंज कर दूँ नाम, तो चेंज नहीं हो पा रहा था, बहुत दिनों से सोच रही थी, बट जब हो गया तो मैंने सोचा, किसी बाद में देखा तो किसी और का भी था ये नाम, मतलब जो मैंने रखा है ब्यूटीफुल यू एंड मी, तो फिर इतनी जल्दी चेंज नहीं कर सकते, इस वजह से मैं चेंज नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, अब आप रिचा रॉय नाम से आप सर्च कर सकते हो, या फिर उस बार जो मैं अपने चैनल पे जो नाम दूंगी ना उस नाम से सर्च मत करिएगा, सिर्फ रिचा रॉय नाम से ही आप सर्च करिएगा तो मेरा चैनल ओपन हो जाएगा और आप ओपन करके देख सकते हो मेरे वीडियोज़ एंड
मेरे रेसिपीज वीडियोस मतलब जो भी आप देखते हो वो सारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स अभी मुझे बहुत सारा काम है और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर रही हूँ क्योंकि अभी मुझे कपड़े वॉश करने हैं, डिनर बनाना है और बज गया है 7:30 और अभी से जब प्रिपरेशन करूँगी और जो भी सब फैला हुआ है वो मैस वो सब ठीक करूँगी तो टाइम लगेगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय फ्रेंड्स, लव यू। हाँ कमेंट जरूर करिएगा और मुझे जरूर बताइएगा आप लोगों को ये जो रेसिपी है वो कैसी लगी, और इस तरह की चीज़ें मैं बनाती रहती हूँ। और आप बताइएगा, आप लोग पता नहीं क्यों सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करिए ना, क्या प्रॉब्लम होती है आप लोगों को। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और मुझे भी थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। और वैसे भी मैं अच्छे से वीडियोस बनाती हूँ, आप लोगों को मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो आप वो भी बताइए, तो मैं वो उस कमी को भी पूरा करूँगी। अगर मेरे चैनल में कोई कमी है, मेरे वीडियोस में कोई कमी है, तो आप वो भी आप मुझे बता सकते हो, मैं उस कमी को पूरा ख़त्म करने की कोशिश करूँगी। मेरे वीडियोज़ में जो भी इम्प्रूव आप देखना चाहते हो मैं ज़रूर करूँगी। और आप और क्या वीडियोज़ देखना चाहते हो बताइएगा। और मेरे ये देखिए मैंने हेयर मैंने ऐसे ही बांध दिया था, तो ज़्यादा बात नहीं करूँगी। और वैसे भी 2 मिनट का इंट्रो भी हो गया था और ये भी टाइम बहुत हो रहा है, बीच में पता नहीं कितना बड़ा वीडियो वो जाएगा। तो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय फ्रेंड्स, लव यू, बाय। प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कर लीजिएगा फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, बाय।